सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और इस एक छोटे से ब्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है रात के 11 बजे से। देख सकते हैं आप, मैं इस समय हूँ रेलवे स्टेशन पे। यहाँ पे हमारी सीट हमें मिल चुकी है और देख सकते हैं सभी यात्री इस समय आराम कर रहे हैं। और मुझे बिल्कुल भी सफ़र में नींद नहीं आती है, इसलिए मुझे तो मालूम है कि मैं सोने वाली नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पे बाकी यात्रियों को मैंने देखा, वो खर्राटे मार के सो रहे थे बहुत ही आराम से। देखते हैं हमारा सफ़र कैसा कटता है, वो सब आपको इसमें वीडियो में देखने को मिलेगा कि मेरा सफ़र कैसा रहा। बने रहिएगा। हरिद्वार से चलकर देहरादून को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर खड़ी है। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, ट्रेन नंबर 14। स्टेशन से बाहर अब बस स्टैंड पे आ चुके हैं हम लोग। यहाँ से शुरू होगी हमारी अगली मंजिल। देख सकते हैं पूरी रात हमें चलते चलते हो गई है और अभी पता नहीं कितनी देर में पहुँचेंगे हम अपनी मंजिल पे। देखते हैं बस कितनी देर में मिलती है। बस के लिए करना पड़ रहा है काफ़ी इंतज़ार, क्योंकि अभी कोई भी बस लगी हुई नहीं है ऋषिकेश की और हमें जाना है ऋषिकेश। फाइनली हमें ऋषिकेश आने वाली बस मिल चुकी है और ये बस में समझ लो सुबह 3 बजे भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी 3:30 बजे कि सबसे पहले हम ही लोग बस में चढ़े हैं तो हम लोग को सीट मिल गई है और आराम से हम लोग बैठे हुए हैं। लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी तो समझ सकते हैं कि पब्लिक दिन रात चलती है। फाइनली फ्रेंड्स, जहाँ हमें पहुँचना था हम पहुँच चुके हैं और मुझे आना था ऋषिकेश। ऋषिकेश में भी एम्स हॉस्पिटल मुझे अपनी दवाई लेने के लिए आना था। तो सुबह के बजे हैं अभी 4:30 और मैं हॉस्पिटल पहुंच चुकी हूं और अभी हमें यहां पे 9 बजे तक इंतज़ार करना है क्योंकि मेरा नंबर लगा हुआ है 9 बजे का। तो समझ सकते हो कि पूरी रात हम लोगों को निकल चुकी है, 1 मिनट के लिए भी हम लोग नहीं सोए हैं। लेकिन ये है कि टाइम से पहले हम अपनी मंजिल पर पहुँच चुके हैं। अब देखते हैं डॉक्टर क्या बताते हैं, क्या सजेस्ट करते हैं, क्या रिपोर्टें होती हैं। जैसे भी रहता है मैं आप लोगों को बताती रहूँगी। और काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि वीडियोस क्यों नहीं आ रहे हैं, तो सोचा कि ठीक है एक छोटा सा ब्लॉग बना लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे। तो आजकल तबीयत ख़राब रहने के कारण मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रही हूँ, तो बस इसीलिए तो ये छोटा सा ब्लॉग मैंने शूट किया है आप लोगों के लिए। आप लोग बने रहिएगा और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा।